आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं आबिद सुहेल भुट्टा, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर, डेटाबेस सिस्टम्स, लेक्चर 12। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की बेसिस क्या है। और आप लोग जानते हैं कि कंसेप्चुअल स्कीमा जो है, जो हम डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए बनाते हैं, उसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स कहते हैं। सो इससे पहले कि हम अगले लेक्चर को प्रोसीड करें, हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर, लेक्चर नंबर 11 में क्या पढ़ा था। हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा था कि सब स्कीमाज, जो कि एक्सटर्नल डिज़ाइन है, एक्सटर्नल स्कीमा है जिसको यूज़र व्यू कहते हैं, उसको कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग SQL व्यूज। ठीक है, आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये तीन यूजर्स दिखाए गए हैं। बारहा इस चीज पे डिस्कशन हुई है, एक्सटर्नल स्कीमा क्यों बनाते हैं, इसकी क्या रीजन है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक्सटर्नल स्कीमा बनाते हुए आपके पास व्यूज होते हैं और व्यूज की कितने टाइप्स हैं, जिसमें हमने ये देखा था, एक हमारे पास सिंपलर व्यू थे, दूसरे हमारे पास कॉम्प्लेक्स व्यूज थे, उसके बाद मटेरियलाइज्ड व्यू और इनलाइन व्यूज। सो हमने हर व्यू को हमने डिटेल में देखा और हमने ये भी डिस्कशन की थी कि किस व्यू को कहाँ पर यूज करना चाहिए फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स। फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये जो आपको फिजिकल लेयर नजर आ रही है, यहाँ पर जहाँ पर आपका फिजिकल स्कीमा होता है। और मैंने फिजिकल स्कीमा में जो चीज़ आपको पढ़ाई वो बताया SQL इंडेक्सेस, SQL इंडेक्सेस। हमने इंडेक्सेस पे बात की कि इंडेक्सेस दो टाइप्स के होते हैं, आपके पास क्लस्टर्ड इंडेक्स है और दूसरा नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है। इंडेक्सिंग क्यों यूज होती है? इंडेक्सिंग आपकी रिट्रीवल को फास्ट करने के लिए। रिट्रीवल का क्या मतलब है कि डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर्ड है, आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है जब आपने डेटा स्टोर किया है तो आपने एक्सेस करने के लिए ही स्टोर किया है, तो उसके लिए क्या एफिशिएंट मैकेनिज्म है, आपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। दो तरीके थे, क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग थी, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग नॉर्मली अगर आप इंडेक्स नहीं लगाते तो प्राइमरी की जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है, मतलब पूरे का पूरा डेटा जो होता है वो बेस्ड ऑन प्राइमरी की स्टोर होता है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरी रिट्रीवल प्राइमरी की के अलावा किसी दूसरी कीज पे, फॉर इंस्टेंस फर्स्ट नेम, सेकंड नेम या एड्रेस पे है, तो आप इन तीनों पे कीज लगाने के लिए जाएंगे तो आप नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स यूज करेंगे। उसका सिंटैक्स मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है? द थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डेटाबेस इज अ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। अगर आपके डेटाबेसेस आपने डिजाइन किए हैं और वो आपके क्वालिटी के डिजाइन नहीं है, उसमें क्वालिटी क्या होती है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, और आपकी डेटाबेसेस जो है वो जब किसी सिस्टम की शेप में बन चुके हैं, वो सिस्टम आपको लो परफॉर्मेंस दे रहा है, सिस्टम की में क्वालिटी के इश्यूज हैं, और क्वालिटी के इश्यूज उस वक्त आते हैं जिस वक्त आपका स्कीमा डिजाइन, स्कीमा डिजाइन से क्या मतलब, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिजाइन फॉल्टी हो। एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन कोर जो है जिस पे पूरे का पूरा डेटाबेस रिलाय करता है वो आपका ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो डेटाबेस डिजाइन के स्टेप्स हैं वो कौन से हैं। कुछ हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, कुछ हम आगे कंसीडर करेंगे कि जी किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं फॉर एन एंटरप्राइज। The first step in the schema designing is a requirement analysis. First, you have to identify what user wants, what are the requirements of users, what part of their system user want to automate. And the next question is, what must database do? कि database से वो क्या कराना चाहते हैं, कौन वो enterprise? So in a case के जी when you have a meeting with the stakeholders of the company, you sit with them and they give you the requirement that what we want our database must do these functions, and then you design the data flow diagrams for your own understanding. As we discuss in the lecture 2, lecture 3,
somehow like what are the data flow diagrams. I told in that lecture the database, for the database designing, data flow diagrams are not an official tool, not a official standard design, that is used only for the understanding of the system. So after getting the user requirement, you will draw the data flow diagram for your understanding and then sit with the DBA, database administrator. Some companies mein hum ise system analyst bhi kehte hain, jo uske analysis karta hai ki what system must do aur user ki kya requirement thi aur system mein humne usko kis tarike se इन्फोर्स करना है, किस तरीके से सिस्टम को कैपेबल बनाना है कि वो यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करे. सो द थिंग दैट इज दैट विल डन इज अ कॉन्सेप्चुअल डिजाइन. ये हाई लेवल डिस्क्रिप्शन है और ये एक फॉर्मल डिजाइनिंग टूल है. दिस इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एंटरप्राइज दैट ऑफन डन विद एन ER मॉडल. So, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. आज के लेक्चर में हम इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिजाइन करना सीखेंगे. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज द फर्स्ट कोर्स ऑफ डेटाबेस. द थर्ड थिंग इज अ स्कीमा रिफाइनमेंट. देखो दो स्टेप्स है, स्कीमा रिफाइनमेंट एंड लॉजिकल डिजाइन. कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने कंसेप्चुअल स्कीमा को लॉजिकल स्कीमा को एक ही कहा गया हुआ है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं. कंसेप्चुअल स्कीमा का मतलब यह है कि आपने एक हाई लेवल डिस्क्रिप्शन दिया है जिसके अंदर एंटिटीज होंगी, उनके एट्रीब्यूट्स होंगे. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंटिटीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. अब उस पर रिफाइनमेंट करनी होती है. ये जो मैं आपको भी बात कर रहा था कि जो क्वालिटी का इश्यू है, जो स्कीमा के अंदर जो लो क्वालिटी है, जो स्कीमा के अंदर फॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं, उसकी वजह से आपका जो एक डिजाइन से जो सिस्टम बनेगा, सिस्टम फॉल्टी होगा. सो द लो क्वालिटी स्कीमा डिजाइन इज अ रीजन फॉर द फॉल्टी सिस्टम. सो ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस स्कीमा रिफाइनमेंट. सो इन दिस स्टेप, अच्छा कुछ जगहों पर कहते हैं कि जी ट्रांसलेट करो पहले लॉजिकल स्कीमा ERD टू डेटाबेस मॉडल, देन आप उसको रिफाइन करो. बट नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, हम लोग पहले उस पर नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं. नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इनकंसिस्टेंसीज, रिमूवल ऑफ इनकंसिस्टेंसीज एंड रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसीज. ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे. डेटाबेस का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आफ्टर दिस कंसेप्चुअल डिजाइन इज अ स्कीमा रिफाइनमेंट, इज अ नॉर्मलाइजेशन. सो एक्चुअली द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लीड्स टू द लॉजिकल स्कीमा डिजाइन ऑफ द डेटाबेस. सो देखो आप लोग जो SQL सर्वर के अंदर जो आप किसी एक सिस्टम का बैकएंड डेटाबेस बनाओगे, वो आप ERD को ट्रांसफॉर्म करोगे इनटू ए रिलेशनल डेटा मॉडल. इसको रिलेशनल डेटा मॉडल भी कहते हैं. इसलिए कहते हैं कि ये आपकी जो DBMS है, फॉर इंस्टेंस आपका DBMS अगर SQL सर्वर है, तो SQL सर्वर के अकॉर्डिंगली आप इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू डेटा मॉडल और फिर आप उसको उसमें इंप्लीमेंट करेंगे. सो कंसेप्चुअल स्कीमा है आपका हाई लेवल डिस्क्रिप्शन और ये जो ट्रांसलेशन है ये आपके लिए टूल बेस्ड है कि आपने जिस टूल में उसे डिप्लॉय करना है आपने उसके लिए उसको प्रिपेयर कर लिया. एंड द थिंग दैट इज important we have already discussed are the user interface designs. इसमें आप external schema बनाते हैं, user views बनाते हैं, ठीक है, जो हमने पिछले lectures में पढ़ा. उसके बाद physical design. physical design में दो चीजें हैं, indexes and disk layouts हैं. हमने indexes को पढ़ा था. indexes का मतलब क्या है कि how the data is physical stored. और last चीज है security design. who access that data and what? कि किस किस को आपने एक्सेस देनी है. सो ऑल दीज प्रोसेसेस, ऑल दीज स्टेप्स लीड्स टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए सिस्टम. ऑल दीज स्टेप्स लीड्स टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम, ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम. अब कंसेप्चुअल स्कीमा मॉडलिंग क्या है? कंसेप्चुअल स्कीमा मॉडलिंग डिजाइन क्या है? मतलब एक डिजाइनर के माइंड में जब वो कंसेप्चुअल स्कीमा को डिजाइन करने के लिए जाता है तो क्या क्वेश्चन आते हैं? पहला क्वेश्चन इसके जहन में ये आता है, व्हाट आर द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप इन द एंटरप्राइज.
कि एंटिटीज कौन कौन सी हैं और उनका एंटरप्राइज में रिलेशनशिप क्या है। एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक सिस्टम होल्ड करता है, जो कि एंटरप्राइज होल्ड करती है। वन थिंग रिमेंबर, इन अ फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटरलेटेड रिकॉर्ड्स। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब है कोई ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल आप कॉमसर्ट्स के लिए सीजी ऑनलाइन बनाने के लिए जा रहे हो, तो कॉमसर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम सीजी ऑनलाइन है, सीजी ऑनलाइन की एंटिटीज और उनके रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप डिटरमिन करोगे जो आपस में एसोसिएटेड है, जो लॉजिकली इंटरलेटेड है। हाउ टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंटिटी के, दे आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज एंटिटीज, व्हाट इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन अबाउट दीज एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप शुड वी स्टोर इन ए डेटाबेस। फॉर ए डेटाबेस व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव टू स्टोर फॉर एन एंटिटी, फॉर इंस्टेंस वी हैव अ स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द स्टूडेंट आई डी, नेम, एड्रेस, सेल फोन नंबर, ई मेल एड्रेस, जेंडर, देयर सिटी, देयर डिग्री प्रोग्राम एंड देयर ब्लड ग्रुप एंड सो मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी वॉन्ट टू स्टोर इन डेटाबेस, वी विल मॉडल इन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। जो जो चीजें हमने एक एंटिटी के बारे में स्टोर करनी है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में डिफाइन करने हैं। सो तीन चीजें हमने देख ली कि एंटिटीज और एंटिटीज के रिलेशनशिप क्या है, और उस एंटिटीज के बारे में हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट हैं, स्टोर हमने करने हैं। और कॉन्स्टेंट्स का टॉपिक हमने पढ़ा था, इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि भाई इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट किस लिए यूज होते हैं, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ बिजनेस रूल्स, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ बिजनेस रूल्स, कि आपने बिजनेस रूल्स को इन्फोर्स करना होता है, इसीलिए आप इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं। वो जो 6-7 इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स है, प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक एंड समथिंग लाइक चेक एंड दीज आर द इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। सो आपके पास इंटरप्राइज की जो भी रूल्स होते हैं, हमने इस पर डिटेल में बात की थी, बिजनेस रूल्स क्या होते हैं, कि एक स्टूडेंट जो है अगर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा है तो वो बीसीएस में पढ़ रहा होगा, अगर वो बीसीएस कर रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से कर रहा होगा, एक टीचर अगर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का है तो उसकी सैलरी उसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से मिलेगी, ये उसकी फॉरन की हो गई। प्राइमरी की का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट है, उसका आईडी है, वो थ्रू आउट दी डिग्री उसका सेम रहेगा, ठीक है। सो ये रूल्स हैं, फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट 21 से ज्यादा क्रेडिट आवर्स नहीं ले सकता, तो ये एक रूल है, एक स्टूडेंट जो है वो मिनिमम सेमेस्टर में रजिस्टर्ड होने के लिए 6 क्रेडिट आवर्स से कम नहीं ले सकता, तो ये बिजनेस रूल्स हैं, ठीक है। अ डेटाबेस स्कीमा इन द ईआरडी मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरिकली बाय एन ईआरडी डायग्राम, तो स्कीमा जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू ईआर डायग्राम। सो इन अ केस अगर मैं ईआर मॉडल कहूं, कंसेप्चुअल मॉडल कहूं, कंसेप्चुअल स्कीमा कहूं, सिंपल स्कीमा कहूं, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव नेम है इस चीज के, जो ईआर मॉडल है। सो पहला नाम हो गया ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल, ईआर कंसेप्चुअल स्कीमा, स्कीमा कंसेप्चुअल मॉडल, कंसेप्चुअल डिजाइन, ये सारे ऑल्टरनेटिव हैं एक ही चीज के। द लास्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कैन देन मैप एन ईआर डायग्राम इनटू रिलेशनल स्कीमा। अब रिलेशनल स्कीमा पे हमने बात की, भाई सीक्वल सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर, उसके अंदर आपने जाके उसको मॉडल करना है, तो आपकी ईआरडी इतनी कैपेबल है कि आप उसको रिफाइनमेंट के बाद, रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि जो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उसकी इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करेंगे और फिर जाके आप उसको डिप्लॉय कर लेंगे। तो ये आपके पास कंसेप्चुअल मॉडलिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये सारे हम आगे देखेंगे। सो इन अ सेंस के जी आपको एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके रिलेशनशिप्स को, इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को आपने इन्फोर्स करना है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ बिजनेस रूल्स, और ये स्कीमे को आपने ईआर डायग्राम में बनाना है। जो अगली चीज आप जहन में रखेंगे कि जी आप उस स्कीमा को आगे आपने इनटू रिलेशनल मॉडल, जो कि आपने इस किसी टूल के अंदर, सीक्वल सर्वर है, MySQL है, SQLite है या एनी अदर टूल है, तो उसके अंदर आपने उसे डिप्लॉय करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी माइंड में होंगी, देन यू विल गो फॉर द डिजाइन ऑफ दैट कॉन्सेप्चुअल मॉडल। अब हम ईआरडी की बेसिक को स्टार्ट करते हैं। ईआरडी की बेसिक सबसे पहला रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर, और ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये कोई एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट हो सकता है या इवेंट हो सकता है। पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ये क्या हो सकती है एंटिटी, कोई एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक इवेंट हो सकता है,
और कोई एक जो है आपके पास कोई टेंजिबल नॉन टेंजिबल कोई एक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक रियल चीज है, वो रियल ऑब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स जो है वो अटेंडेंस लेते हैं, तो अटेंडेंस एक इवेंट है, स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर होते हैं वो एक इवेंट है। सो इवेंट को हम कैप्चर जो करते हैं वो भी एंटिटी की फॉर्म में करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। आगे मैं इस चीज को कहूंगा कि यहां पर आपकी ट्रांजेक्शन मैनेज हो रही है, इवेंट्स और कॉन्सेप्ट। कुछ एंटिटीज होती हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो इवेंट होती हैं ना वो आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कोर्स हो गया, कोर्स भी फिजिकल नहीं एग्जिस्ट करता लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एन एंटिटी इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द सेट ऑफ एट्रीब्यूट। अभी बात हुई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के क्या एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका सेलफोन नंबर, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो आप एक एंटिटी के अगेंस्ट कौन कौन से रिकॉर्ड्स स्टोर करना चाहते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सो डिफाइनिंग ऑफ एंटिटी एंड एट्रीब्यूट इज द फर्स्ट स्टेप इन ईआर मॉडलिंग। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, एंटिटी एक चीज का नाम है। वन थिंग रिमेंबर, एंटिटी एक चीज का नाम है, एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक। सो एक जो डेटाबेस के अंदर जो एक आपकी पूरी की पूरी रो बनती है वो आपकी एंटिटी है। तो क्या सारी क्लास जो है स्टूडेंट्स की वो क्या है, वो है एंटिटी सेट। डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर मैं इस पे हाईलाइटर है, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल इंप्लॉयज, ऑल कोर्सेज। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटी, सो इट मींस कि एक जो टेबल हम स्टूडेंट का बना रहे हैं, इंप्लॉय का, वो एंटिटी सेट है। बाजुकात हम लोग ना गलती में ये कह देते हैं कि भाई आपने एंटिटी बनाई। सो एंटिटी एक सिंगुलर वर्ड है, एक स्टूडेंट, जैसे मैंने बता दिया हामिद इज अ स्टूडेंट, असद इज अ स्टूडेंट, काशिफ इज अ स्टूडेंट, एक एंटिटी है वो। अब पूरी क्लास, पूरे कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट्स, वो पूरे एंटिटी सेट है। सो एक टेबल जो होता है वो आपका एंटिटी सेट होता है। अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल ऑल एम्प्लॉयज, all entities in an entity set have the same set of attributes। ये तो एक बात हो गई कि भाई entities की जो properties हैं वो सबकी common होंगी। अब आप एक पूछेंगे, सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका CNIC number नहीं होता, कि 18 साल से कम होते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? भाई उसके लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी लेकिन अभी तक उसकी वैल्यू नॉट एप्लीकेबल है। जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो उसकी उसमें वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसके एट्रीब्यूट सारे के सारे जो हैं वो क्या होंगे, सारी एंटिटी सेट के अंदर हर एंटिटी के सेम होंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने पीछे कीज के टॉपिक में पढ़ा था कि भाई कोई भी एंटिटी जो है वो विदाउट जो है आइडेंटिफायर, विदाउट आइडेंटिफायर, कौन सा आइडेंटिफायर, जो आपका यूनिक आइडेंटिफायर है, उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ईच एंटिटी सेट हैज ए की, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आखिरी, ईच एट्रीब्यूट हैज ए डोमेन। मैंने मेटा डेटा में भी आपको समझाया, डेटा डिक्शनरी में भी समझाया, डोमेन में भी समझाया कि भाई आपने अगर एन वॉरचार एक नेम की एन वॉरचार 50 आपने डिफाइन कर दी, डेटा टाइप किसकी, एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम की, तो वो इस कॉलम के अंदर, उस कॉलम के अंदर जो जो भी वैल्यूज आएंगी वो उस डोमेन से बाहर नहीं जाएंगी। ये सामने आपको एक एग्जांपल दिखाएगी, ये इंप्लॉयज जो है वो एंटिटी सेट है, एक इंप्लॉय जो है वो एक एंटिटी है, हर इंप्लॉय का SSN नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, नेम होगा और LOT, उसकी कोई एक करेक्टरिस्टिक्स है, LOT वो होगी। सो इन अ केस के जी हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं एंटिटीज को और एट्रीब्यूट को। आई होप कि जी एंटिटीज और एट्रीब्यूट आपको अगेन क्लियर हो गया होगा कि एंटिटी क्या है, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, एक इवेंट है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपकी इंटरप्राइज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमने उनको मॉडल आउट करना होता है और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक डोमेन को मैच कर रहे होते हैं, उनको हम एंटिटी सेट कहते हैं। अच्छा, यहां पर हम एक गलती करते हैं, वो मैंने पहले भी बताया, हम बाज अवकात ये कहना चाह रहे होते हैं कि स्टूडेंट एंटिटी उस और हम वो प्रूलर को यूज कर रहे होते हैं कि भाई सारे स्टूडेंट, लेकिन हम उसको सिंगुलर के मीनिंग्स में यूज कर लेते हैं। ये कॉमन मिस्टेक हम
पढ़ाने पढ़ने वाले करते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि एंटिटी और एंटिटी सेट में क्या डिफरेंस है। एंटिटीज, जैसे कि मैंने डेटाबेस का आपको बताया कि द शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटरलेटेड रिकॉर्ड्स। शेयर्ड कलेक्शन पे हमने काफी बात कर ली थी, मैंने कहा था कि आगे जो डेटाबेस इस चीज पे बेस करेगा वो आपकी इस लॉजिकल रिलेशन पे, ये लॉजिकल रिलेशन है। वन थिंग रिमेंबर, डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल, कोई भी एंटिटी सेट विदआउट रिलेशन ऑफ एन अदर एंटिटी सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो अ सिंगल एंटिटी सेट कैन एग्जिस्ट, नो अ सिंगल एंटिटी सेट कैन एग्जिस्ट विदाउट हैविंग रिलेशन ऑफ एट लीस्ट वन एंटिटी सेट। कोई भी एंटिटी सेट डेटाबेसिस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो किसी एक से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ना करे। रिलेशनशिप को ऑल्टरनेटिवली हम कहते हैं एसोसिएशन अमंग टू आर मोर देन टू एंटिटीज। सो इट मिनिमम टू एंड मैक्सिमम अप टू थ्री फोर अप टू एन तक। फॉर एग्जाम्पल डोमिनिक इज अ एम्प्लॉय वर्क्स इन अ फार्मेसी डिपार्टमेंट, सो एम्प्लॉय इज अ वन एंटिटी, सो दिस डायमंड शेप इज रिप्रेजेंटेड ऑफ द वर्क ऑफ द रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप होता है ये वर्ब होता है, वर्ब का मतलब है कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। सो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है सिंस किसी एक डेट से, सो ये रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एसोसिएशन है बिटवीन टू एंटिटीज, एसोसिएशन है बिटवीन टू एंटिटीज, कनेक्टेड एंटिटीज आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। जो दोनों साइडों पर एंटिटीज हैं रिलेशनशिप की, इस साइड पे भी डायमंड की, इस साइड पे भी, दोनों साइडों पर, और ये बोथ डायरेक्शन में ऑपरेट होता है। इसकी कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एम्प्लॉय ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम कहते हैं डिपार्टमेंट होल्ड्स एम्प्लॉयज, कि भाई डिपार्टमेंट ने हायर किए हुए हैं एम्प्लॉयज को। सो ये बोथ डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। अच्छा, अब ये जो कनेक्टिविटी है ये मीनिंगलेस नहीं होती, ये मीनिंगफुल होती है। जैसे कि आपको अभी आइडिया हुआ कि एक एंटिटी सेट के अंदर मल्टीपल एंटिटीज होती हैं, एक एंटिटी सेट के अंदर मल्टीपल एंटिटीज होती हैं, तो ये एंटिटीज दूसरे एंटिटी से कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू, और उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉर्डिनेलिटी। कॉर्डिनेलिटी है एक्सप्रेसेस नंबर ऑफ अक्रेंसेस एसोसिएटेड विद वन अक्रेंस ऑफ ए रिलैक्स्ड एंटिटी। सो एक एंटिटी सेट की जो एक एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी सेट की कितनी एंटिटी से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊं कि भाई एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय कितने डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, तो ये चीज आपकी डिफाइन करेगी क्या रिलेशनशिप की कोऑर्डिनेलिटी, रिलेशनशिप की कोऑर्डिनेलिटी। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप की कॉर्डिनेलिटी है उसको हम तीन तरीकों से डिफाइन करते हैं, एग्जैक्टली वन टू वन, वन टू मैनी, एंड मैनी टू एन भी लिखते हैं, मैनी टू मैनी भी लिखते हैं, कि कितने एक एंटिटी के कितने एंटिटीज दूसरे एंटिटी के कितनी एंटिटीज है। अगर वो नोन है, नोन है तो एक साइड में हम नंबर बता देंगे कि भाई एक स्टूडेंट मैक्सिमम या एक टीचर मैक्सिमम तीन कोर्सेज पढ़ा सकते हैं, एक स्टूडेंट मैक्सिमम छह कोर्सेज में एनरोल हो सकता है। सो नोन कॉर्डिनेलिटी है तो फिर आप उसको एन से जाहिर करेंगे, अगर दोनों साइडों की अननोन है तो उसको मैनी टू मैनी से जाहिर करते हैं। ये एक आपको छोटी सी डायग्राम से मैं कोशिश करता हूं समझाने की कि ये जो रिलेशनशिप की टाइप है हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आपके पास यहां पर जो डॉट्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन है कि एक रिकॉर्ड की, ठीक है, ये एंटिटी वन है ये वाली, ठीक है, और इस तरीके से ये आपके पास एंटिटी टू है। अब ये एंटिटी इस टेबल की एक एंटिटी से एसोसिएटेड है, ये वाली एंटिटी एग्जैक्टली एक से एसोसिएटेड है, ये वाली एंटिटी एग्जैक्टली एक से एसोसिएटेड है, और ये दो एंटिटीज एसोसिएटेड नहीं है। ये पॉइंट भी गौर कर लें कि भाई रिलेशनशिप में ये चीज मैंडेटरी नहीं होती, ये चीज ऑप्शनल होती है कि कुछ एंटिटीज दूसरी एंटिटी से एसोसिएशन एस्टेब्लिश करती हैं या उनके अगेंस्ट दूसरी एंटिटी में रिकॉर्ड की एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन कुछ के अगेंस्ट नहीं होती। सो ये पॉसिबल है। यहां पर भी ये वाली एक एंटिटी है, ये किसी से रिलेशनशिप में नहीं है, ये वाली एंटिटी दो एंटिटीज है, ये भी किसी से रिलेशनशिप में नहीं है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वन टू वन कंडीशन। ये मस्ट नहीं है कि भाई यहां पर एक दो तीन चार पांच है तो इधर भी पांच हो, नहीं भाई, ये रिकॉर्ड्स
किससे एसोसिएटेड है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से रिलेशनशिप में हो। दूसरी चीज है वन टू मैनी, सिर्फ फर्क यही है कि यहां की एंटिटी, अब यहां वन टू मैनी, वन टू मैनी का मतलब यह है कि जी इसकी, अब ये डायरेक्शनल है, वन टू मैनी डायरेक्शनल है कि भाई एंटिटी ए की एक एंटिटी एंटिटी बी की दो एंटिटी से एसोसिएशन में है, एंटिटी ए की एक एंटिटी दो एंटिटी से एसोसिएटेड है, लेकिन इधर की कोई भी एंटिटी, इधर की ये जो ए है और ये बी है, तो इधर बी की कोई भी एंटिटी यहां से मल्टीपल एसोसिएशन में है, इसको वन टू मैनी कहेंगे, इसको वन टू मैनी कहेंगे कि भाई एक साइड की एक एंटिटी दूसरी साइड की मैनी से एसोसिएटेड है, इस रिलेशनशिप टाइप को हम वन टू मैनी कहेंगे। और अगेन यहां पर कि ये दो एंटिटीज हैं, इन किसी भी एसोसिएशन में नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, इट इज वैलिड। ये जो तीसरी टाइप है, ये मैं अभी जो बता रहा था कि भाई अगर बी एंटिटी, ये बी एंटिटी है, इसके भी ए एंटिटी की दो एंटिटी से रिलेशनशिप में है, ये देखो ना, अगर आप ये देखें कि ये वाली जो एंटिटी है ये हम एक रिकॉर्ड समझ रहे हैं, ये इससे भी रिलेशनशिप में, इससे भी रिलेशनशिप है दो, ठीक है, एक से जब तादाद बढ़ गई तो वो मैनी में आ गया। इस तरीके से यहां पर एक है तो ये दो से हो, सो जहां पर आपको ये श्योरिटी ना हो कि जी एक एंटिटी कितनी एंटिटी से मैच करेगी एक से, और ये श्योरिटी हो कि जी एक से ज्यादा मैच करेगी, तो हम इस किस्म के रिलेशनशिप को मैनी टू मैनी कहेंगे। सो वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हो गए कि जी रिलेशनशिप जो है आपके पास तीन टाइप्स के होते हैं, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। अब ये जो कॉर्डिनलिटी होती है, मैं अभी आपको समझा रहा था रिलेशनशिप की कॉर्डिनलिटी दो तरीकों से हम डिफाइन करते हैं, एक आपके पास होती है ऑप्शनल और दूसरी है मैंडेटरी। ऑप्शनल का क्या मतलब है? ऑप्शनल का ये मतलब है कि जी आप लोगों ने कोई मस्ट नहीं है, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया कि मस्ट नहीं है कि ये एंटिटी जो है जरूरी नहीं है कि दूसरी एंटिटी के हर से मैच करे, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है। एक मैंडेटरी है, मैंडेटरी है कि भाई जरूरी है कि वो मैच करे किसी ना किसी एक से, तो वो मैंडेटरी हो जाएगी। सो मैं आपको एक एग्जांपल से इसकी कनेक्शन समझाता हूं, प्रोफेसर टीचेस क्लास, ये रिलेशनशिप है कि भाई प्रोफेसर है वो एक क्लास को टीच करता है, ठीक है, प्रोफेसर है वो एक क्लास को टीच करता है। अब एक प्रोफेसर मल्टीपल क्लासेस को टीच करता है तो एसोसिएशन वन टू मैनी की हो गई, ठीक है। अब इसकी जो कॉर्डिनलिटीज हैं, अगर हम नंबर वाइज देखें, हम कहते हैं कि जी एक प्रोफेसर जो है वो चार क्लासेस को पढ़ा सकता है, सो मिनिमम कॉर्डिनलिटी एक प्रोफेसर मिनिमम एक क्लास को तो जरूर पढ़ाएगा, एक प्रोफेसर एक क्लास को जरूर पढ़ाएगा, और जो है वो एक प्रोफेसर चार क्लासेस मैक्सिमम पढ़ा सकता है, तो ये मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी हो गई। सो मिनिमम कॉर्डिनलिटी क्या होगी? ऑप्शनल हो गई, ऑप्शनल मिनिमम वन है कि भाई अगर प्रोफेसर है वो किसी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा है तो मिनिमम उसके लिए कंडीशन ये है वो एक लेक्चर जरूर पढ़ाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी शो करते हैं यहां पर, और एक और तरीका होता है वो मैं पेन से यहां पर आपको शो करके दिखा देता हूं कि आपके पास इसको शो करने का एक और तरीका भी होता है। आप ऐसा करते हैं, ये जो एक लाइन लगाते हैं ऐसे लाइन, इसका मतलब है वन, और ये पहले लगाते हैं फिर आप ये वाली लाइन लगाते हैं, ठीक है, ग्रेटर साइन, इसका मतलब है ये है आपके पास ऑप्शनल, सॉरी ये है मैंडेटरी, और ये जो ये वाली है ये है आपके पास ऑप्शनल। नॉर्मली हम मैंडेटरी को कंसिडर नहीं करते और हम ऑप्शनल को, अब इधर है वन और मैक्सिमम भी वन, ठीक है, सो एक प्रोफेसर मैक्सिमम वन क्लास को पढ़ाता है और एक प्रोफेसर मैक्सिमम फोर क्लासेस को पढ़ाता है। सो इन अ केस की जी आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, आपके पास जो रिलेशनशिप है वो आपके तीन टाइप्स के हैं। पहले आपके पास है यूनरी रिलेशनशिप, सिंगल वैल्यू, सिंगल एंटिटी, रिकर्सिव रिलेशनशिप, ऑकरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेम एंटिटी, कोर्स रिक्वायर्स कोर्स, यूनरी भाई एक ही एंटिटी का रिलेशनशिप है उसी एंटिटी के से, जैसे पर्सन हैव द फ्रेंड्स, कि एक जो बंदा है उसके अपने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं, उसको हम कहेंगे पर्सन हैव द फ्रेंड, ये सेल्फ रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको, और इसको हम यूनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं, ये नॉर्मली बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो इनको भी किस तरीके से हम आगे रिलेशनल डेटा मॉडल में नॉर्मलाइज करेंगे उस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा बाइनरी,
नॉर्मली हमारे पास बाइनरी का मतलब ये है कि प्रोफेसर टीचेस द क्लास, तो ये आपके पास वन टू मैनी, वन टू मैनी की एसोसिएशन है. सो आपके पास वन टू मैनी है, ए प्रोफेसर कैन टीच मैनी क्लासेस. मेरे ख्याल में पिछले स्लाइड में मैंने इसको वन टू वन कर दिया था. मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये एक्चुअली है वन टू मैनी, ये है वन टू मैनी, ठीक है, ये वन टू मैनी है और ये वन है. इधर मिनिमम और मैक्सिमम भी वन है, लेकिन यहाँ पर मैनी नहीं है. ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ. ये मैनी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये वन है और ये यहाँ पर मैनी का ऑप्शन है, वन टू मैनी. ठीक है, प्रोफेसर कैन टीच मैनी और मिनिमम एक क्लास है और इसकी जो कॉर्डिनेलिटी है वो हमने देख ली. ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट, टर्नरी रिलेशनशिप. इसको टर्शरी भी कहते हैं और टर्नरी भी कहते हैं. टर्नरी का मतलब है तीन. ये देखें, पार्टिसिपेंट्स, फंड्स और कंट्रीब्यूटर. ये फंड कोई कंट्रीब्यूटर देता है, तो तीन जब आपकी एंटिटीज एक रिलेशनशिप में आती हैं तो उसको हम टर्नरी या टर्शरी रिलेशनशिप कहते हैं. अब हम इसको मजीद डिफाइन करते हैं टर्शरी रिलेशनशिप को विद एन एग्जांपल. जो हम पीछे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमारे पास एग्जांपल है किस चीज की, इंप्लॉयज वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट. एम्प्लॉय वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट. सो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप है. ईच डिपार्टमेंट हैज ऑफर्ड सेवरल लोकेशंस. अब डिपार्टमेंट में सेवरल लोकेशंस हैं, ठीक है, और हर लोकेशन की कैपेसिटी है और सिटी है. सो ये बाइनरी रिलेशनशिप दो एंटिटी से डिफाइंड नहीं होता, ये तीन एंटिटी से डिफाइंड होता है. तो यहां पर हमने एम्प्लॉयज वर्क्स इन द डिपार्टमेंट और साथ हमने लोकेशन ऐड कर दी, तो ये आपके पास जो रिलेशनशिप है ये आपका टर्शरी रिलेशनशिप बन गया. अब हम इस टर्शरी रिलेशनशिप को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मैं आपको अभी जो बता रहा था कि ये किस तरीके से हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये आपके पास जो स्कीमा है, ये आपके पास कंसेप्चुअल स्कीमा है. ये नीचे जो आपके पास डीडीएल की क्यूरी नजर आ रही है, ये क्यूरी आपका रिलेशनल स्कीमा है, ये क्यूरी आपका लॉजिकल स्कीमा है. इसके अंदर आपने क्या किया, क्रिएट टेबल वर्क्स इन टू, आपने टेबल का नाम दिया एसएसएन करेक्टर और डीआईडी करेक्टर वन, एक एक उसमें करेक्टर पे होगा वो सिटी, ठीक है, और सिंस उसकी डेट है. सो आपने ये तीनों चीजें डिफाइन कर ली. देन आपने देखें, आपने तीन टेबल बनाए, एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया हुआ है, एक डिपार्टमेंट का टेबल, एक लोकेशन का टेबल. सो यू हैव क्रिएटेड द थ्री टेबल्स. और ये जो रिलेशनशिप के ऊपर ये सिंस नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ उसकी हमने लॉजिकल यहां पर रिप्रेजेंटेशन दी. अगर आप इसको असाइनमेंट के तौर पर इसको डिप्लॉय करेंगे तो आप तीन टेबल्स बनाएंगे. पहला टेबल होगा आपका एम्प्लॉयज का, ये आपकी सेल्फ असाइनमेंट है. मैं स्लाइडों में नहीं लिख रहा, लेकिन मैं क्लास में आपसे पूछूंगा कि मैंने 12वें लेक्चर में कौन सी असाइनमेंट दी. आप लोगों ने इसका स्कीमा बनाना है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज का टेबल बनाना है, डिपार्टमेंट का टेबल बनाना है, लोकेशंस का टेबल बनाना है, ठीक है. और चौथा टेबल आपके सामने बना हुआ है, इसको आप एज इट कॉपी कर लेंगे, ठीक है. और आगे चले हम, इसी को हम रीडिफाइन करते हैं. रिलेशनशिप क्या है, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, the number of entities set that participates in the relationship. Mostly binary relationships होते हैं, लेकिन आपके पास ternary भी होते हैं और ternary भी काफी ज्यादा exist करते हैं. Ternary का मतलब है तीन entities के साथ relationship. So cardinality है one to one, one to many, many to one. वो मैंने reversal में बता दिया कि अगर A entity many से associated है तो one to many है, और many to one दोनों में कोई difference नहीं है. आप many to one भी कह सकते हैं, one to many भी कह सकते हैं, different है वो many to many. So तीन types है, one to one, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी. क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, इसीलिए वन टू मैनी और मैनी टू वन में कोई फर्क नहीं है. सो तीन टाइप्स होगी, वन टू वन, मैनी टू मैनी एंड वन टू मैनी. सो ये मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूं. एग्जैक्टली एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से एसोसिएटेड है, यहां पर और भी रिकॉर्ड होंगे जो एसोसिएशन में नहीं होंगे. ये वन टू वन है और वन टू मैनी, एक रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड से, एक रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड से और एक रिकॉर्ड से. मिनिमम उसकी वन है और मैक्सिमम उसकी अप टू एन तक है. many to one and many to many, ये इधर से many to one आ गया और ये many to many आ गया. So इसी को रिवर्स कर लें, one to many को, तो many to one बन जाता है. मैं इसमें कह रहा हूं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते. सो वन टू मैनी में मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं, आपके पास कस्टमर है, वो बारो करते हैं लोन को, तो एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल लोन्स ले सकता है, ये एसोसिएशन वन टू मैनी है. सो वन टू मैनी के लिए मैंने अभी वो एक आपसे शेयर किया था कि आपके लिए ये वन होगा और ये आपके लिए मैनी होगा. सो हम इस तरीके से इसको वन टू मैनी को डिफाइन करेंगे, वन टू मैनी. सो वन से मैनी की तरफ,
ठीक है, वन से मैनी की तरफ एक कस्टमर है। अब ये आपने कैसे डिटरमिन करना है भाई, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एंटिटी की दो टाइप्स होती हैं, कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं कि जो आपकी स्ट्रांग एंटिटी लग रही होती है, तो आपने स्ट्रांग एंटिटी की जो है ना वो दूसरी जो वीक डिपेंडेंट एंटिटी होती है उस पर, वीक नहीं वीक और चीज है डिपेंडेंट एंटिटी पे करनी होती है। मैनी टू वन इसी का रिवर्सल है कि जी आपके पास जो है वो अगर हम इस तरीके से ये डायरेक्शन को सिंपल चेंज कर दें, यहाँ पर डायरेक्शन इधर जा रही थी, यहाँ पर डायरेक्शन इधर जा रही, लेकिन इस चीज़ को आप डिफरेंट कंसीडर ना करें, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। अब क्या है कि जी एक कस्टमर मैनी लोन्स, वो ये जो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो दोनों में जो है ना वो एसोसिएशन एक ही टाइप की बनेगी, वन टू मैनी, मैनी टू वन। अब मैनी टू मैनी, अच्छा मैनी टू मैनी मैंने कि एक लोन जो है वो भी मल्टीपल लोग ले सकते हैं, मतलब एक लोन है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार लोगों में कि जी ये एक लोन है 1 लाख का, तो चार लोग आएंगे 20-20 हज़ार सब में डिवाइड हो जाएगा, ये मैनी टू मैनी एसोसिएशन है। सो एक कस्टमर बोरो करता है मल्टीपल लोन को और एक लोन के अगेंस्ट मल्टीपल लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इसकी मिनिमम कॉर्डिनलिटी क्या होगी कि जी एक ऐसा कस्टमर है वो कोई भी लोन नहीं लेता, तो 1 to 0 भी हो सकते हैं। ये कॉर्डिनलिटी हमेशा आप एंटरप्राइज के अंदर जब उसकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं तो तब आपको ये। आज के लेक्चर में हमने यहां तक पढ़ा और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि जी एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी का रिलेशनशिप जो दूसरी एंटिटी से एग्जिस्ट करता है वो कैसे करता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के, कॉन्सेप्चुअल डिजाइनिंग के, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। आई होप कि जी आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एंटिटीज, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, एंटिटी वर्सेज एट्रीब्यूट और हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स की तरफ एक और कदम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको तमाम मुश्किलात से निजात फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज एंड थैंक यू।